मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में 6 जिलों के कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा कुल्लू के 4 विधानसभा क्षेत्र, शिमला के रामपुर और चंबा के भरमौर क्षेत्र के साथ किन्नौर एवं लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि मंडी का धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 12,81,462 मतदाता हैं, जिनमें 6,30,661 महिलाएं हैं तथा 6,50,796 पुरुष वोटर हैं। सर्विस वोटरों की संख्या 13,743 है। इसके साथ ही 5 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। मंडी जिला में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में हर विधानसभा हलके में 2 मतदान केंद्र महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसी प्रकार पूरे संसदीय क्षेत्र में 34 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिन पर महिला कर्मी ही मतदान करवाएंगी। इसी प्रकार मंडी संसदीय क्षेत्र में हर विधानसभा हलके में 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि 4 एक्सिलरी मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इनमें 2 बूथ उपमंडल सुंदरनगर के बनेड़ 11A और उपमंडल बल में विद आश्रम भंगरेटू 60A और 1-1 कुल्लू व काजा में स्थापित किया गया है। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए 19 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 2,083 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान के लिए 5,693 बैलेट यूनिट, 2,682 कंट्रोल यूनिट और 2,800 वीवीपैट को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया को ठीक तरीके से पूरा करवाने के लिए 11,300 कर्मियों की जरूरत है। रिजर्व में कर्मचारियों की संख्या के साथ कुल 13,116 कर्मी इलेक्शन ड्यूटी के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में चुनावी कर्मियों की आवाजाही के लिए 340 बसें इस्तेमाल की जाएंगी। जिला कांगड़ा में इस बार लोकसभा चुनावों के दौरान 74 ऐसे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इनमें से सबसे अधिक शतकवीर जिला कांगड़ा की डाडासिबा तहसील के अंतर्गत आती महिला है, जबकि जसवां तहसील के अंतर्गत मात्र 1 शतकवीर है। कुल 74 शतकवीरों में से ऐसे महिला व पुरुष भी शामिल हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक भी हो चुकी है। जिला कांगड़ा में 18 तहसीलें आती हैं तथा ये आंकड़ा विभिन्न तहसीलों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी मतदाताओं को मतदान के लिए उनके घर जाकर निमंत्रण भी दिया गया है और इन सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक मतदान वाले दिवस लाने और घर वापस पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की पंचायत तंगरोटी की 101 वर्षीय धनी देवी ने बताया कि वो कई बार मतदान कर चुकी है और इस बार भी वे वोट डालने अवश्य जाएंगी। उन्होंने बताया कि उनके कई काम सरकार ने करवाए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को वोट जरूर डालना चाहिए ताकि उनको नौकरी मिले। जिला कांगड़ा ही नहीं अपितु देश भर में सबसे दुर्गम पंचायत माने जाने वाली बड़ा भांगल के करीब 8 से 10 दर्जन से अधिक मतदाताओं के लिए बड़ा भांगल के मिडिल स्कूल में पोलिंग बूथ की स्थापना की गई है।
लोकसभा चुनावों में अपने मत का प्रयोग करने के लिए बड़ा भांगल में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र भी स्थापित किया है। हिमालय की धौलाधार और पीर पंजाल रेंज की बीच 7400 फीट की ऊंचाई पर स्थित बड़ा भांगल के 72 किलोमीटर की दुर्गम रास्ते को तय करने के लिए जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन 72 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर की करने के लिए चुनाव आयोग ने 32 किलोमीटर का सफर कम करने के लिए बाया चंबा होकर 250 किलोमीटर का रास्ता गाड़ियों से तय किया, ताकि 32 किलोमीटर का पैदल रास्ता कम हो सके। बड़ा भांगल में 2012 के विधानसभा चुनावों में पहली बार मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए और 2019 के चुनावों के लिए मतदान केंद्र स्थापित होते रहे हैं।